हाफिज़े कुरान थे और इमामत भी करवाते थे। कैंसर से इंतकाल करने वाले हाशिम रज़ा ने मौत से चंद दिन पहले वालिद से क्या कहा था? नाजरीन, मज़ीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे इल्तमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टॉप टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। पाकिस्तान का बाहिम्मत नौजवान हाशिम रज़ा सोशल मीडिया पर इस वक्त मकबूल हुआ जब इनमें कैंसर की तशखीस सामने आई और इनके लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर मुहिम भी चलाई गई ताकि कोई खुदा का नेक बंदा इनके बाहर जाने का बंदोबस्त कर सके, क्योंकि इनका इलाज बहरूनी ममालिक में ही मुमकिन था। लाहौर से तल्लुक रखने वाले हाशिम रज़ा मजबूत दिल के मालिक थे। शायद वो बात जान चुके थे कि इनका वक्त दुनिया में पूरा होने वाला है, इसलिए इनके दिल से डर और खौफ निकल चुका था। हाशिम रज़ा के वालिद अपने बेटे के इंतकाल पर काफ़ी गमजदा हैं और आंखों में आंसू लिए इन्होंने अपने बेटे की याद में इनके बारे में बातें बताईं। हाशिम के वालिद ने बताया कि मेरा बेटा निडर, समझदार, हिम्मत वाला, सच्चा और लोगों में खुशियां बांटने वाला लड़का था। इसको अल्लाह पर पुख्ता यकीन था कि मुझे कैंसर से जंग जीतनी है, मैंने कैंसर को शिकस्त देनी है। मेरा बेटा मुझे कहता था कि बाबा, मैं जिस हालत से गुजर रहा हूँ आप नहीं समझ सकते, मुझे 1.5 साल बीमार रहते हुए हो गए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। हाशिम रज़ा के वालिद ने बेटे के हवाले से बताया कि इंसान को दूसरों के लिए जीना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। हाशिम अपने से ज़्यादा दूसरों का करता था। हाशिम रज़ा के उस्ताद मोहतरम ने भी मरहूम हाशिम रज़ा के बारे में यादें शेयर की। हाशिम के उस्ताद और इनके बिजनेस पार्टनर ने बताया कि वो लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत आगे चलता था। हाशिम के दोस्त ने बताया कि मैंने खुद हाशिम से बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं, इसका बहुत मजबूत नेटवर्क था। इन्होंने बताया कि हाशिम हाफिज़े कुरान भी था और साथ ही ऑफिस में जब सब आते और नमाज का वक्त होता तो वो इमामत भी करवाता था। हाशिम रज़ा जैसे नौजवानों की कदर करना रियासत का फ़र्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग मुल्की तरक्की में अपना मुआमिन किरदार अदा करते हैं।